अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर अनवर है, शेखपुरा का मैं रहने वाला हूँ और बेसिकली इंजीनियर डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ जॉब करता हूँ। और मुझे हेपेटाइटिस सी का वो प्रॉब्लम थी और मैंने मेडिकल से 3 मंथ का जो कोर्स है मेडिकल का वो मैंने लगवाया। उसके बाद मैंने रिपोर्ट दोबारा कराई है लेकिन पॉजिटिव ही आई है और मुझे ज़रा भी जो है ना वो फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मेरे ब्रदर इन लॉ के दोस्त थे, उनकी लेग टांग में जो है ना वो बहुत बड़ा जो है ना दाना था, जिसे आप फोड़ा भी कह सकते हैं, फोड़ा था। और उन्होंने इधर दम करवाया, 3 दम करवाए हैं, तो उसका यानी कि बिल्कुल जो है ना वो क्लियर हो गया। वो 7 दम उन्होंने कंप्लीट करवाए हैं। बाद में भाई ने मुझे भेजा इधर के आप जाएँ और बिलावर शरीफ जाके, और अल्लाह ताला के वहाँ वली हैं, और मैं इधर आया हूँ और मैंने 7 जो दम है ना वो करवाए हैं। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से, कलमे की मदद से, जो इनकी दुआओं से मुझे मेडिकल जो हेपेटाइटिस सी है ना वो बिल्कुल नेगेटिव रिपोर्ट आई है 100%। जो लोग दरबार से रोकते हैं वो, मैं तो यही कहूँगा कि वो उनकी पॉकेट मनी बंद हो रही है, क्योंकि यहाँ आके ये गरीब आवाम की जो है ना वो मदद करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से और बेलोस खिदमत करते हैं। आजकल के दौर में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो खिदमत खलक करते हैं आवाम की दिलो जान से। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वक्फ कर दी है आम लोगों के लिए, और मैं तो इनको दुआएं दूंगा कि अल्लाह ताला इनको जो है ना वो लंबी से लंबी उम्र दें और इनको अल्लाह ताला अपने कर्म नवाजी से इससे भी ज़्यादा नवाजें। अब देखो, बंदा कहता है कि मैं 8 साल से हिम्मत हार चुका था, लेकिन 8 साल के बाद जब मैं यहाँ दरबारे दिया बिलावड़ा शरीफ आया हूँ और बहुत परेशान था। ये जवान है, अब ये देखें, कोई ऐसा नहीं कि रास्ते चलते हुए देखें, ये जवान ऐसे कई हज़ार जवान पे मौत मर जाते हैं, जिंदगी की आस उम्मीद टूट जाते हैं। जब इसको दम हुए, दमों के बाद जाके चेक कराया और चेक कराने के बाद जब देखा तो 1% भी जिस्म के अंदर कोई मर्ज नहीं था। अब सिर्फ लम्हा फिक्र, बस मैं इसको कह के आपको दम, मुझे पता है आप यकीन से आए, मुझे पता है आप मोहब्बत से आए, मुझे पता है आप अकीदे से आए, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, आप और हमारे दरमियान में कितना बड़ा फैसला है। अब डॉक्टर कितने करीब से इंजेक्शन लगाता है, इंसान कितना करीब से दवाई खाता है, लेकिन फिर भी मायूस हो जाता है, लेकिन फकीर की नजर से गुजर जाता है बेशफा हो जाता है। अब बात करने का मकसद ये है कि अब ये शफा कहाँ से आती है, कौन देता है, ये मेरा खुदा देता है।